कि न्याय ना होने का परिणाम यह है कि देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे ख्याति प्राप्त, सबसे बहादुर, सबसे बड़ी हौसले वाली लड़कियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था और एक सम्राट अपना राज्याभिषेक करा रहा था। और सवाल ये उठता है कि 2 साल तक प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप क्यों रहे। ये सूत्रों ने तो 15 दिन पहले ही कह दिया था कि कोई मामला ही नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ये अलग बात है कि जब मीडिया ने उठाया तो दिल्ली पुलिस को उसका खंडन करना पड़ा। आज दिल्ली पुलिस ने फिर वही कर दिखाया। ये सूत्र कौन है? ये किसके लिए काम करते हैं? क्या ये वही सूत्र हैं जो भविष्यवाणी कर देते हैं कि 15 तारीख को चार्जशीट दायर होगी? दिल्ली पुलिस इस देश के खेलकूद मंत्री को रिपोर्ट करती है क्या? कैसे पता था उन्हें? कहां से उनके पास डेटा आई थी? दिल्ली पुलिस एक स्वतंत्र कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस है या अनुराग ठाकुर के ऑफिस में बैठकर FIR लिखने वाली या चार्जशीट लिखने वाली पुलिस है? कौन है ये सूत्र? और आप गलत हैं। मैं आपकी इस बात का खंडन करती हूं। ये मामला बेटी के बयान से नहीं, ये मामला 17 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था जब विनेश फोगाट ने इस देश के प्रधानमंत्री को यौन शोषण के मामलों के बारे में अवगत कराया था और प्रधानमंत्री ने कहा था आपकी बात सुनी जाएगी, कार्यवाही होगी और आपके पास खेलकूद मंत्रालय से फोन आएगा। वो आज भी उस फोन का इंतजार कर रही है। 17 अगस्त 2021 को इस देश के प्रधानमंत्री को पॉक्सो की शिकायत, यौन शोषण के मामले के बारे में पता था, प्रधानमंत्री क्यों चुप रहे? क्यों दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री से पूछताछ करने नहीं गई जब पॉक्सो का मामला दायर हुआ? क्योंकि पॉक्सो का कानून ये कहता है और साफ तौर से ये कहता है कि अगर आपको पॉक्सो के मामले में कुछ पता चला है तो आपके साथ भी उतनी ही छानबीन होगी जितनी पर्पेट्रेटर ऑफ क्राइम, जितनी आरोपी के खिलाफ। तो ये मत बोलिए ये मामला इन लड़कियों ने शुरू किया। ये मामला 2021 अगस्त में प्रधानमंत्री को के संज्ञान में जब ये लाया गया तभी से शुरू हो गया था और आज लगभग 2 साल बाद प्रधानमंत्री ने चुप्पी अपनी तोड़ी नहीं है और कार्यवाही हुई है। कांग्रेस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने के दिल्ली पुलिस के अनुरोध के बाद गुरुवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का नया नारा है बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पॉक्सो के तहत मामले की शिकायत पर आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया में इंटरव्यू देकर मेडल को 15 रुपए का बताता है और रैलियों में शक्ति प्रदर्शन करता है, उससे दिल्ली पुलिस 45 दिन तक पूछताछ नहीं करती है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज होती है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि खेल मंत्री को कैसे पता चलता है कि 15 तारीख तक आरोप पत्र दायर हो जाएगा? आरोप पत्र दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है या भाजपा कार्यालय में इसे तैयार किया गया है? उन्होंने दावा किया कि एक नाबालिग लड़की ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज करती है और यौन शोषण का आरोप लगाती है, इसके बाद सारा तंत्र पुलिस, सरकार के मंत्री और सांसद मिलकर उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का मंगलवार को अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों की कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने मामले को 4 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार लोग भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब नाबालिग के पिता का बयान आ गया था कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई और उनका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा और इतने दिनों तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, क्यों इतने बड़े बड़े पहलवानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा और 28 मई को
जो पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस का सलूक था उसको लेकर लोग पहले ही कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस पर उनको भरोसा ही नहीं है और दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटाएगी और वह तो खुद ही ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती है। अब उस पर दबाव है या फिर ब्रिजभूषण ने डराया है वो तो भगवान जाने, लेकिन इतना तो तय है कहीं न कहीं यह पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे और वह बाइज्जत बरी भी हो जाएगा। आपको बता दे के वहीं पहलवानों के समर्थन में उतरे किसान नेता राकेश टिकैत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि महीनों से ये पहलवान विरोध कर रहे हैं, वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सरकार अपने आदमियों को बचाती है, पूरी योजना ब्रिजभूषण को बचाने की है। पहलवानों ने गवाही दी है, महीने भर तक विरोध प्रदर्शन किया, वो अब आगे कितना और संघर्ष कर सकते हैं। वो प्रदर्शनकारियों को तोड़ने का काम भी कर लेते हैं। उन्होंने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि जब भाजपा ने दूसरे दलों को नेताओं और बिजनेसमैन को अपने पाले में कर लिया तो ये पहलवान तो सिर्फ बच्चे हैं और इनके भी परिवार है, वे टूट जाएंगे। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में शुक्रवार यानी कि 16 जून को एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, ये कार्यक्रम 18 जून तक होगा और ये किसानों से जुड़ा होगा। वहीं केंद्र सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और साथी ओलंपिक विनेश फोगाट को भी आश्वासन किया था कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इसके बाद इन लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। पहलवान नाबालिग समेत 7 पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सवाल उठता है कि भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शनकारी पहलवानों का क्या फिर से आंदोलन शुरू होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि खिलाड़ियों ने सरकार से बातचीत के बाद 15 जून तक आंदोलन स्थगित कर दिया था। फिलहाल पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अगले कदम को लेकर कुछ साफ नहीं किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पहलवानों ने अगली कार्रवाई को लेकर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन कुछ बताया नहीं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने कहा कि हम इस पर बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि चार्जशीट से पता लगता है कि ब्रिजभूषण सिंह दोषी है, लेकिन हमारे वकील ने एप्लीकेशन दायर की है ताकि चार्जशीट हमें मिल सके। इसे पता लगेगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर किस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट देखने के बाद पता लगेगा कि धारा सही लगाई गई है या नहीं। हमारा अगला कदम सब कुछ देखने के बाद ही तय होगा। हम देखेंगे कि हमारे से किए गए वादे पूरे हुए है कि नहीं हुए। वहीं आपको बता दे के हाल ही में सोनीपत में हुई महापंचायत के दौरान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा था कि आंदोलन अस्थायी तौर पर रोका गया है। साक्षी मलिक ने कहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर वे इसे जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इंसाफ नहीं मिलने पर वे एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग नहीं लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह पर क्या अब कोई एक्शन हो पाता है, क्योंकि 2 FIR दर्ज की गई थी जिसमें नाबालिग के मामले में दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है और सबको उसी में उम्मीद थी, क्योंकि उसमें पोक्सो एक्ट लगाया गया था कि शायद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उसमें आरोप साबित हो सकते हैं और उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और उसमें साफ साफ कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और नाबालिग ने भी अपने बयान बदल लिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे पहलवान क्या कदम उठाते हैं और किसान नेता राकेश टिकैत भी उनके समर्थन में उनको क्या सुझाव देते हैं या खाप पंचायतों से सलाह करने के बाद क्या आगे का कदम होगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।